उत्तराखंड के ऋषिकेश में खतरे की वजह से लक्ष्मण झूला बंद किए जाने के बाद अब राम झूले पर भी खतरा मंडराने लगा है। कांवड़ यात्रा के दौरान राम झूले पर दबाव बढ़ने से उसे सहारा देने वाला लोहे का एक तार टूट गया। तार टूटने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि तार टूटने के बाद भी पुल पर से लोगों का गुजरना जारी रहा, जो किसी बड़े हादसे में बदल सकता था। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने टूटे तार को जोड़ना शुरू कर दिया। लक्ष्मण झूला के बाद अब राम झूले पर भी संकट मंडरा रहा है। कांवड़ियों के लगातार आवाजाही की वजह से जो राम झूला है उसको जोड़ने वाला एक लोहे का तार अचानक से टूट गया, लेकिन प्रशासन वहां पहुंचा और उस तार को जोड़ने का काम शुरू किया गया। सिक्किम में नया बाजार पहाड़ पर एक बड़ा हादसा सामने आया। पहाड़ पर फंसे एक ट्रक पर बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, जिससे ट्रक पूरी तरह से पिचक गया। पत्थर गिरने से ठीक पहले ट्रक के पास खड़े दो लोग तेजी से भागकर दूसरी तरफ आ गए। इसके बाद धीरे धीरे पहाड़ से एक बड़ा पत्थर खिसकने लगा और वहां खड़े ट्रक पर जाकर गिर गया। पत्थर इतना भारी था कि देखते ही देखते ट्रक मानो गायब हो गया। सिक्किम नया बाजार का ये मामला है, जहां पर तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है और जो ट्रक था वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रक के पास जो लोग उस वक्त वहां खड़े थे वो वक्त रहते वहां से हट गए। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में हालात खराब हैं। वहां सांबा में बनस्तर नदी उफान पर है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि वो किनारे लगे पेड़ों को उखाड़कर बहा दे रही है। नदी में पानी के बड़े स्तर को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो नदी किनारे ना जाए। ये बनस्तर नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने उफान पर है, और लोगों प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि वो नदी के पास ना जाएं। नदी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किनारे पर पेड़ हैं उनको भी ये नदी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। पानी का स्तर को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को ये चेतावनी दे दी है कि वो इस वक्त नदी के पास ना जाएं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों पर एसपी ने रिपोर्ट ईडी को भेजी। यूपी के रामपुर में जमीन मामले में आजम खान पर दर्ज मुकदमों पर एसपी ने अपनी रिपोर्ट ईडी को भेजी। मणिपुर के इम्फाल में एनआईए ने एक संयुक्त ऑपरेशन में बैन किए गए संगठन के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। बिहार के पटना में सीएम नीतीश के आवास का घेराव करने जा रहे तेज सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठियों से पीटा। बैरिकेड उसको तोड़ते हुए लोगों पर चढ़ते गए और भागने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको रोका गया तो फिर वो भागे पीछे तरफ से और वहां से उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू की। हरियाणा के करनाल में हनुमान मंदिर में शिव की मूर्ति के दूध पीने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं का तांता लग गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नंदी की मूर्ति के दूध पीने की अफवाह के बाद शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुट गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगा। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के ठाणे में एनडीआरएफ की टीम ने तेज बारिश की वजह से पेट्रोल पंप पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, जहां गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई थी। महाराष्ट्र के बदलापुर में चमतौली गांव में बचाव दल ने एक बंदर का रेस्क्यू किया। जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर चीन की मोबाइल कंपनी ओप्पो के बजाय एक भारतीय कंपनी का लोगो नजर आएगा। news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मुहैया कराने वाली कंपनी बायजूस अब टीम इंडिया को स्पॉन्सर करेगी। फिलहाल टीम इंडिया को चीन की कंपनी ओप्पो स्पॉन्सर कर रही है, जिसका करार 3 सितंबर को वेस्टइंडीज दौरे के साथ ही खत्म हो जाएगा। ओप्पो ने 2017 में 1,079 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। करार के मुताबिक ओप्पो को मार्च 2022 तक टीम इंडिया को स्पॉन्सर करना था, लेकिन उसने 2.5 साल में ही स्पॉन्सरशिप छोड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि ओप्पो के स्पॉन्सरशिप छोड़ने से बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस करार की बाकी रकम अब बायजूस चुकाएगी। नए समझौते के मुताबिक 15 सितंबर से शुरू होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया की जर्सी पर बायजूस का लोगो नजर आएगा।
कारगिल विजय के 20 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिसमें सेना के शौर्य और वीरता को दिखाया गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी, इसके बाद कार्यक्रम में कारगिल विजय पर बनी एक छोटी फिल्म दिखाई गई। इसके बाद कारगिल में शहीद हुए लांस नायक बच्चन सिंह की वीर गाथा सुनाई गई, जिनकी पत्नी को रोता देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए। बाद में कार्यक्रम में आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं के बच्चों ने अपना डांस दिखाकर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में सेना के जवानों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा बॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस से कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बाद में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए उस पर छल करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने सेना को आधुनिक बनाने की भी बात कही। आज की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है, और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। बिहार की राजधानी पटना में तेज सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद तेज सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके। बताया गया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर तेज सेना के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज तेज सेना के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और तेज सेना के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज करने के बाद तेज सेना का एक कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गया और पुलिस को मारने की चुनौती देने लगा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी, जबकि दूसरे कार्यकर्ता पुलिस को पिटाई करने से रोकते दिखाई दिए। लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद हालात और बिगड़ गए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज तेज सेना के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस के जवान भी तेज सेना के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते दिखे। बैरिकेड उसको तोड़ते हुए लोगों पर चढ़ते गए और भागने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको रोका गया तो फिर वो भागे पीछे तरफ से और वहां से उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर। इससे पहले तेज सेना के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया। तेज सेना का एक कार्यकर्ता तो बैरिकेड पर ही खड़ा हो गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। कई पुलिस अधिकारी उन्हें समझाते और उन्हें शांत रहने की अपील भी करते दिखाई दिए,